शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 21 शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 21 गिबोनियों का पलटा लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलवाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इसराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल व उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कुछ झगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इसराइली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाए कि इसराइल के देश से आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबान नाम बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे और शाऊल की बेटी मीकल के 5 बेटे जो वह मोहलवासी बर्जिल्लय के पुत्र अद्रियेल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 एक साथ नाश हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में अर्थात जव की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और रात में बनेल पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों में से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। तो वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पायहों की हड्डियों का भी इकट्ठी की गई और शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामिन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद के सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। दाऊद का पलिश्तियों पर विजय पाना। पलिश्तियों ने इसराइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब इशबोब नोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना। परंतु सरूयाह के पुत्र अभिशय ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इसराइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद
फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई रिबकै ने रपाई वंशी सबको मारा और गोब में फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेथलहेमवासी यायोर गिम के पुत्र एलनान ने गती गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छल जोलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़ी डील का रपाईवंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में छह छह उंगलियां थी, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा। यही चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए।